और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से आईएसआईएस ग्रुप के टॉप लीडर आतंकी हाफिज सईद खान की मौत की खबर आ रही है। पेंटागन के मुताबिक पिछले महीने हुए ड्रोन हमले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी संगठन को प्रमोट करने वाले हाफिज सईद की मौत हो गई है। पेंटागन के प्रवक्ता गार्डन ट्राउबेल्स ने हवाई हमले में हाफिज की मौत की पुष्टि की है। गौरतलब है कि ये ड्रोन हमले आतंकियों को सबक सिखाने के लिए अमेरिका की ओर से किए गए थे। वही इस्लामिक स्टेट का कहना है कि हाफिज सईद खान जिंदा है और ड्रोन हमले में एक अन्य आईएस के वरिष्ठ आतंकी की मौत हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाफिज की मौत की खबरें आ चुकी है। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए, साथ ही बाबा जन की रिहाई की मांग की है। बाबा जन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 44 साल की सजा सुनाई है। लोगों की आवाज दबाने के लिए सेना और पुलिस बल का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ना तो उनका विकास हो रहा है और ना ही युवाओं के पास रोजगार है। युवाओं के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की ज्यादतियों से तंग आने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ता मरीर ने ट्वीट किया है कि भारत को इस समस्या से निपटने में मदद करनी चाहिए। बलोच नेता ने कहा है, भारत को मानवाधिकार हनन का ये मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए। पाकिस्तान के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा कि उनका देश परमाणु परीक्षण पर द्विपक्षीय रोक को लेकर भारत के साथ समझौता करने को तैयार है। प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, हमने आगे के परीक्षणों को लेकर एक पक्षीय पाबंदी घोषित की है। पाकिस्तान अपने एक पक्षीय रुख को भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते में बदलने पर विचार करने को तैयार है। पिछले सप्ताह हुए राजदूतों के सम्मेलन के बारे में मीडिया को बताते हुए अजीज ने कहा कि बैठक में ये बात सामने आई कि पाकिस्तान निरंतर रूप से CTBT का समर्थन करता रहा है और वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के वक्त भी इसके पक्ष में मत दिया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों के मामले पर न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव अब और तेज हो गया है। शुक्रवार को देश के मुख्य न्यायाधीश TS ठाकुर समेत 3 जजों की बेंच ने सरकार से पूछा कि कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद अब तक 75 जजों की नियुक्तियां क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 75 लोगों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र ने अब तक इस पर कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा, अब समय आ गया है कि अदालत इसमें दखल दे और न्यायिक आदेश दे। कोर्ट के आक्रामक तेवर देखकर अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो सुप्रीम अथॉरिटी के सामने मामले को ले जाएंगे और 4 हफ्ते में जवाब देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन गुरुवार को ट्विटर पर लोगों के निशाने पर आ गए। जैन ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोल किया, जिसमें उन्होंने पूछा, अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजकर मुश्किलें पैदा करता है तो क्या भारत को भी भारतीय आतंकियों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। ट्विटर पर उनके इस सवाल का जवाब लोगों को हाँ या ना में देना था। इससे पहले जैन ने ट्वीट किया, हमें युद्ध किए बिना पाक को सबक सिखाना होगा, चाहे गुरिला युद्ध से या अमेरिका द्वारा अत्यधिक दबाव दिलवाकर। जैन के पोल पर कई ट्विटर यूजर्स नाराज हो गए, उन्होंने उन पर तीखा हमला बोल दिया। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो नोएडा और गुड़गांव की देरी से चल रही 2 परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को पैसा नहीं लौटा सकती। यूनिटेक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा तथा न्यायमूर्ति UU ललित की पीठ के समक्ष कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, यदि हमारे पास पैसा होता तो हम फ्लैट और बिल्डिंग बनाकर उन्हें दे देते। पीठ ने सिंघवी से कहा कि कंपनी को निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। पीठ ने रिफंड पाने के इच्छुक फ्लैट खरीदारों से ये ब्यौरा देने को कहा कि उन्हें बिल्डर से कितना पैसा लेना है। BCCI को बड़े सुधारवादी कदम लागू करने के लिए अब उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोधा समिति की समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। तब दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों ने खेल को नहीं खेला वे इसका संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ PhD चैम्बर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे ठाकुर ने कहा, जिन लोगों ने कभी खेल नहीं खेला वे बोर्ड का संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। BCCI की जड़ें काटने का प्रयास किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने BCCI में आमूलचूल बदलाव की लोढ़ा समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
रियो ओलंपिक में लंबे समय बाद भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। टेनिस के मिक्स डबल्स मुकाबलों में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल के एक अहम मुकाबले में सानिया और बोपन्ना की जोड़ी ने एंडी मरे और हिथर वॉटसन की जोड़ी को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी ने हिथर वॉटसन और एंडी मरे की ब्रिटिश जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराकर मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही भारत की टेनिस में पदक की उम्मीद भी बढ़ गई है। अपने पहले मुकाबले में सानिया और बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी सामंथा स्टोसुर और जोनाथन पियर्स को मात दी थी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से। नमस्कार।